नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत होंगे। तो वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो अभी आज हम करने जा रहे हैं हैक्स ट्राई, जिसमें हाइका है और मैं हूँ। तो अभी क्या करना है ये मुझे पता है। और आज हम करेंगे कौन कौन से हैक्स करेंगे ये आपको बाहर जाके बताता हूँ। तो अभी चलते हैं बाहर। मैं आ चुका हूँ बाहर, तो देखते हैं क्या क्या कर रही है। हाइका कर रही है क्या? कर रो क्यों रही हो? वो मैं रो नहीं रही, प्याज काट रही हूँ, आंखों में पानी आ रहा है। मैं तुम्हें एक हैक दिखाता हूँ। एक हैक है जिसकी वजह से आंखों में आंसू नहीं आएंगे प्याज काट रहे हैं। हम देखने लगे हैं हैक, वो देख। ओह नाइस, करना ट्राई। ओके आजा, ये टिश्यू पकड़ सबसे पहले एक। तो अभी हम आ चुके हैं किचन में। तो हाइका को मैं बताता हूँ क्या करना है। सबसे पहले तो हमने इस टिश्यू को गीला करना है, चलेगा? अच्छा, तो फट ना जाए। हाँ नहीं नहीं चल चल कर दे गीला। फोल्ड ना करी, फोल्ड ना करी, खोल के रख, गीला कर टिशू। तो टिशू होगा गीला, चल बंद कर दे। तो अभी टिशू गीला हो चुका, तो अभी मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। तो चलते हैं बाहर। तो अभी मैंने हाइका को जो हैक बताया, जिसमें उसने हाइका ने टिशू को गीला किया, तो अब देखते हैं ये हैक काम करता है कि नहीं। चलते हैं हाइका के पास। अभी है टिशू, चल रख इधर, इधर रखना। खोल दे थोड़ा सा, खोल दे। खोल दूँ? खुलेगा तो नहीं, आई थिंक वैसे चलेगा। सो बस खोल कर, अब तो प्याज काटना शुरू कर। तो अब देखते हैं ये हैक काम करता है कि नहीं। Few moments later. देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। तो अभी हाइका ने करके देखा। हाइका तो कह रही है कि मतलब आंखों में जलन हो रही है, बट पानी नहीं आ रहा। So, बात तो वही हुई ना। हाँ, इट वर्क्स। ये वर्क? Yeah. मतलब उन्होंने तो जलन का नहीं कहा था, उन्होंने कहा था कि पानी नहीं आएगा, तो पानी तो सच्ची में नहीं आ रहा। तो जहां पे साबित होता है कि ये हैक बिल्कुल काम नहीं करता, इट्स नॉट वर्क। तो अभी चलते हैं दूसरे हैक की तरफ। क्या ये कि मैं आपको हैक दिखाती हूँ? तो अभी हैकर की तरफ देखते हैं कि वो क्या हैक बताने लगी हमें। तो हुँ? ये देखिए टीवी पे सॉक्स का कोई हैक है, देखते हैं। ये मेरे बाल भी सॉक्स रखती है, ये मेरा वाइट सॉक्स का पेयर है। चल, तो इस हैक का ये फायदा है कि आपकी जो है ना सॉक्स, मतलब एक जगह रहती है, मतलब सर्दियों में बहुत सारी सॉक्स होती है तो वो घूम जाती है, तो इससे आपका जरा है ना पेयर रहेगा। और आपके पास अगर ऑर्गेनाइजर बॉक्स है तो आप उसमें जब रखेंगे ऐसे कर ये हैक इस्तेमाल करके, तो बहुत अच्छा लगेगा आपका ऑर्गेनाइजर बॉक्स। क्योंकि सर्दियों में होता क्या कि ज़्यादातर सॉक्स से निकली होती है सर्दी से बचने के लिए, तो ये हैक आप लोगों का काफ़ी काम आने वाला है। तो हैक देखते हैं। और उसके बाद ऐसे करेंगे, उसके अंदर ऐसे डाल देंगे, ऐसे करना है, फिर दूसरी साइड से भी सेम ऐसे करना है। ये देखिए आपका पेयर तैयार हो गया। ये मतलब खुलेगा, इससे आप क्रिकेट भी खेल सकती हैं जिस तरह की ये बॉल है। तो ये था हाइका का हैक। तो अभी इसने मुझे हैक दिखाया, तो मैं इसको एक हैक दिखाता हूँ। चले चलते हैं अपने मेरे हैक की तरफ। तो ये जो है ये हैक नहीं, ये टिप है। तो हम आपको एक टिप देते हैं, तो इसके लिए आपको वॉशरूम जाना पड़ेगा। तो चलते हैं, आप नहीं हमें, चलते हैं। अभी हम आ चुके हैं वॉशरूम में। तो सबसे पहले होता क्या कि वॉशरूम जब होता है इस्तेमाल, तो जब साबुन से हम हाथ धोते हैं तो ये देखें ये नीचे से सारा गंदा हो जाता है, तो सबसे पहले साबुन लग जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको चीज़ बता दूं आपने करना क्या है। आपने इसके लिए करना है कि आपने एक फोमिंग शीट ले लेनी है इस तरह की। तो ये तो मैंने काट के रखी है, आपने काट के करना क्या है, ये साबुन के नीचे रख देनी है, जिससे साबुन भी नहीं ख़राब होगा। और अक्सर होता है कि अगर पानी लगता है उसको ये ख़राब हो जाता है, तो ऐसे बिल्कुल नहीं होगा, पानी सारा ये फोम के अंदर चला जाएगा। उसके बाद आप फोम को उठा के ऐसे निचोड़ सकते हैं दुबा के, जिससे पानी सारा निकल जाएगा और ये साबुन ख़राब नहीं होगा। और आपका जो है ना इससे साबुन भी ड्राई रहेगा, और वो तो ड्राई होता ही है जो फोमिंग शीट है, उसकी वजह से आपका साबुन जो है ना गीला वीला भी नहीं होगा बहुत ज़्यादा। तो अभी हाइका मुझे टिप देगी, तो अभी चलते हैं लास्ट टिप की तरफ, जो देने लगी है हाइका मुझे टिप और आप लोगों को टिप। तो देखते हैं क्या टिप है। तो क्या चाहिए इसके लिए? तो शॉपर चाहिए। क्या शॉपर चाहिए? या
शॉपर की एक ट्रिप है। तो हाइका ने अभी ले लिया एक शॉपिंग बैग, तो किधर है वो? मैंने उधर रख दिया शॉपिंग बैग। अब इसके साथ एक टिप मैं आपको दिखाती चली जाती हूँ, शायद ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। ये टिप होने लगी है इस चीज के बारे में कि अगर आजकल कह रहा हूँ, अक्सर आप लोगों के घर में शॉपिंग बैग्स वगैरह पड़े होंगे, तो वो इतने यानी इधर उधर घिरे रहते हैं जिसकी वजह से घर लगता है बहुत बुरा। तो हाइका आपको एक टिप देने लगी है जिससे आप अपने शॉपिंग बैग्स को इस तरह फोल्ड करके संभाल पाएंगे और वो बिल्कुल भी नहीं स्पेस लेंगे, बिल्कुल थोड़ी सी स्पेस लेंगे। चलते हैं हाइका के टिप की तरफ। तो ये वैसे थोड़ा मुश्किल है, तो इसको भी सॉक्स डालेंगे हम ऐसे अंडरवेयर करके जाएंगे ऑर्डर करेंगे उन गोल्डो, तो ऐसे यहाँ पर रखेंगे और इसको हम ऐसे और इसको लेंगे ऐसे लेंगे और फिर जब इसको पहले इसके ऊपर आजम चाहिए था और उसके बाद जैसे सॉक्स को किया था सेम इस तरह से डाल देंगे और इस तरह से अंदर से डाल देंगे और उसके बाद क्या करेंगे इसको ऐसे उठा ऐसे करके इसको ऐसे फोल्ड देंगे इसे ना शॉपर शॉपिंग बैग लेना तो इसको ऐसे ये जो आपके ये ना ये इसको जो भी कहते हैं हैंडल हैंडल तो फिर इसको ऐसे कर देंगे ताकि ये जो है ना आपका शॉपिंग बैग लेना घूमना हो जाए। सो दिस इज आप सिर्फ ऐसे भी कर सकते हो और इसको और डबल करना चाहो कुछ ऐसे करके उसके अंदर डाल देना तो वैसे भी आप कर सकते हो। अगर आपको ऐसे चाहिए तो आप ऐसे कर लें, अगर आपको ज्यादा डबल चाहिए तो ऐसे वैसे कर लें। ये था हाइका कैग, लेकिन इससे भी ज्यादा छोटा हो सकता है अगर आप लोग दिमाग लगा के करें। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ही अल्लाह हाफिज। और इन हमारे सारे हैक्स पे एक ना एक लाइक जरूर बनता है और इन सब पे एक सब्सक्राइब भी जरूर करना है हमारे चैनल AMH वर्ल्ड को। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।